प्यारे बंधुओं नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीके बैज। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं पुस्तकों के बारे में रिव्यू कर रहा था, पुस्तकों के बारे में बता रहा था कि आयुर्वेद की कौन कौन सी पुस्तकें आपके लिए बेहतर कारगर हैं और किनको आप प्रयोग करके अपनी प्रैक्टिस के दौरान, आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, यूनानी के डॉक्टर हैं या आयुष पद्धति की जितनी भी चिकित्सा पद्धति अपने यहाँ है उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, आयुर्वेदा के क्षेत्र में आप अच्छा मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं या आम जनमानस हैं, आप आयुर्वेद के प्रति आपका लगाव है, अपने आप को आयुर्वेद के माध्यम से ही ठीक करना चाहते हैं, तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए जो हमारे पास पुस्तकों का मेरे पास जो एक सीरीज है, मैं उनमें से 5 पुस्तकें आज फिर छाट के आपको जो है लाया हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो आपको दिया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत महत्वपूर्ण किताबों के बारे में आपको जानकारी प्रदान किया था। सबसे पहली पुस्तक मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये है आरोग्य जीवन, डॉक्टर चंद्रशेखर के द्वारा लिखी ये पुस्तक है और ये बेहतरीन पुस्तक है। और इसमें जो है आरोग्य जीवन में जो है ये जन चेतना प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होती है और ये बहुत ही, इसकी MRP जो है 250 रुपये है। और ये पुस्तक यदि आप लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, वहाँ से भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इसमें जो है विषय सूची दिया गया है, विषय सूची के अंतर्गत आपका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य जो है और स्वास्थ्य का महत्व, तो क्या आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं, कैसे अपने आप को पहचानेंगे और तमाम प्रकार की डॉक्टर की शरण में मानसिक प्रभाव, बीमारी दूर नहीं बल्कि स्वयं डॉक्टर हैं, भाग की बात भूल हमारी अपनी है तब क्या करें, तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए इसमें जो है आहार क्या लें, आहार कैसा हो, आहार कब और कैसा लें ये भी इसमें दिया गया है। और उसके बाद में इसमें जो है स्वास्थ्य एवं मालिश करने का जो है, शरीर में जो है तेल लगाने का जो है क्या नियम है, क्या क्रियाकलाप है, उसको कैसे लगा सकते हैं, स्वास्थ्य एवं जल पानी की आवश्यकता क्यों है, पानी कब और कैसे पिए, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें जो है देखने को मिलेंगी। और इसमें जो है और भी मैं आपको दिखाता हूँ तो ये पुस्तक जो है बेहतरीन है। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ है जैसे काली मिर्च के बारे में आपको दिया गया है, या भूख बढ़ाती है, पाक कला को सबल बनाती है और पेट में एकत्र वायु को बाहर निकाल देती है। काली मिर्च के गुणों के बारे में और कब कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में दिया गया है। काली मिर्च स्त्रियों के मासिक धर्म के शुरू होने पर में से सहायक होती है। काली मिर्च और प्याज एक साथ पीस कर केशों में यानी कि बालों में लगाने से केश लंबे हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको घी नहीं पचता, गर्म भात के साथ घी और काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर खाने से आसानी से पच जाता है। बच्चा होने के बाद काली मिर्च प्रसूता के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होती है। इसको ग्रहण करने से शरीर की वेदना एवं सूतिका दोष नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे काली मिर्च के बारे में, फिर देखिए अदरक के बारे में, इमली, अनार, बेल, इसबगोल, पीपल, लहसुन, कनेर, बड़ी इलायची, पुदीना, त्रिफला, आलू, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है कि आलू में कौन कौन से विटामिन से कैसे प्रयोग करना है, सौंफ के बारे में दिया गया है। तो इसको ये पूरा जो है, अब देखिए कुछ कष्टप्रद रोगों के उपचार जैसे हृदय रोग के बारे में, हृदय रोग में आप कैसे हृदय रोग को ठीक करेंगे, तो इसके बारे में भी आपको दिया गया है। तो ये थी जो है आरोग्य जीवन पुस्तक, MRP 250 रुपये है और इसको आप जो है आसानी से, दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पुस्तक है और इसको प्रकाशित जो है जन चेतना प्रकाशन नई दिल्ली से होती है। तो इसको आप, यदि आपको ये पुस्तक के को पढ़ना है तो इस पुस्तक को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। अब आइए दूसरी पुस्तक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी पुस्तक मैंने जो आज लिया है, भारत के औषधीय पुष्प एक परिचय। तो जो पुष्प आप मंदिर की साज सजावट के लिए और खुशहाली के लिए अपने घरों को
सुंदर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, उनके क्या औषधीय गुण हैं, कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं, उनको आप कई तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पहचान कैसे करेंगे। डॉक्टर विजय नैथानी के द्वारा लिखी ये पुस्तक है और इस पुस्तक को जो है आप बहुत आसानी से मात्र 300 रुपये में, ये जो है प्रकाशक है खुराना पॉकेट बुक्स हाउस मुखर्जी नगर दिल्ली, ये भी दिल्ली से ही प्रकाशित होने वाली पुस्तक है, 300 रुपये MRP है। और इसमें जो है सबसे अच्छा जो है सारी चीज़ें पुष्पों के बारे में जो है बताया गया है कि महत्वपूर्ण औषधीय पुष्पों की वनस्पतिक वर्णन दिया गया है और भारतीय आदिवासियों द्वारा औषधीय पुष्पों का प्रयोग और पुष्पों के औषधीय गुण दिया गया है। भेषज गुण विज्ञान संबंधी अनुसंधान, भेषज गुण विज्ञान संबंधी, इसमें जो औषधीय गुणों के बारे में जो विज्ञान में कहा गया है, भेषज कल्पना में कहा गया है, उसके बारे में दिया गया है। पुष्पों के आर्थिक महत्व और पुष्पों का जो है विश्व बाजार उद्योग, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिया गया है। कौन सा पुष्प है, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो है सूजन के लिए आप किस पुष्प का प्रयोग करेंगे, रुधिर विकार के लिए आयुर्वेदिक गड़कसाय है कि शामक है, और अब इसमें जैसे करेले का पुष्प है, अमलतास है, कद्दू है, भिंडी है, पपीता, लौकी, खीरा, तुलसी है, केतकी है, अरंडी है, अमरूद है, कंदमूल है, चांदनी है, कंघी है, कपास है, कुष्ठ है, ये सारे पुष्पों के बारे में इसमें देखिए चित्रों के माध्यम से समझाया गया कि आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन कौन से पुष्प जो है कैसे होते हैं, इनको कैसे हम आदमी से, जैसे अमलतास के बारे में बताया गया, सफ़ेद मदार के बारे में, कैसियस फिस्टुला जो है सफ़ेद मदार, सदाबहार के बारे में, कचनार, अपमार्गा, तो ये सारी चीज़ें गुड़हल के बारे में, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, और धतूरा के बारे में जो है, तो ये सब चीज़ें इसमें जो है समी के बारे में, आम के बारे में, कनेर के बारे में, नारियल के बारे में, चमेली के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें जो है पुष्पों के बारे में, महुआ के पुष्प का क्या प्रयोग है, तो इसमें जो है सारी चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं पुष्पों के बारे में, पुष्पों से इलाज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, मैं तीसरी पुस्तक आपको दिखा रहा हूँ, ये है तीसरी पुस्तक और ये है स्वास्थ्यवर्धक फल और सब्जियाँ, यहाँ देख लीजिए स्वास्थ्यवर्धक फल और सब्जियाँ। तो स्वास्थ्यवर्धक फल कौन कौन से हैं उसके बारे में देखिए, भरपूर पोषण देता है आम, आम से जो है देखिए इसमें विषय सूची मैं दिखा रहा हूँ, आम के बारे में, अनार के बारे में, स्वस्थ एवं सुंदर टमाटर, मधुमेह नाशक है जामुन, चीकू के औषधीय गुण, उदर रोगों की रामबाण औषधि है बेल, एंटीबायोटिक है अंगूर, रोग निवारण रोग कीटाणु नाशक है नींबू, वायु शरीर की बुद्धि के लिए लाभदायक है केला, सेब के औषधीय गुण, पपीते के औषधीय गुण, घरेलू चिकित्सा में तरबूज दिया गया पाचक क्रिया में सहायक है, अमरूद विटामिन से भरपूर है, संतरा बेर के औषधीय गुण, अनानास, अंजीर, और घर के आंगन का घर का डॉक्टर है घृत कुमारी ग्वारपाठा जिसे बोला जाता है। तो इसमें लौकी के बारे में, ककड़ी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है इस पुस्तक में दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये भी पुस्तक जो है आसानी से मात्र 130 रुपये में ये पुस्तक आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे या जहाँ भी आयुर्वेद की पुस्तकें मिलती हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे अंजीर फल के बारे में इसमें दिया गया है, अंजीर गर्म जलवायु में पैदा होने वाला गुलर जाति का फल है, गुलर की तरह या क्षीर वृक्ष है और उसी के समान अंजीर के फलों का आकार भी गर्भ बीज भी होता है। अंजीर के पके फल जहां स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं वहीं इसका उपयोग हरे व सूखे फलों का उपयोग विशेष तौर पर औषधीय रूप में किया जाता है। अंजीर क्षय रोगियों के लिए प्रमुख पथ्य आहार माना जाता है। तो क्षय रोग जिसको हो गया है उसके लिए अंजीर के बारे में बताया गया है, और भी तमाम प्रकार की बीमारियां हैं तो उसके बारे में जो है अंजीर कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे इसका फल होता है, समस्त प्रकार की जानकारी जो है, कब कैसे सेवन करना है, कितने लोगों को कब हानिकारक ही हो जाएगा, ग्वारपाठा जिसे एलोवेरा कहा जाता है इसके बारे में चित्र के साथ में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है, स्वास्थ्यवर्धक फल और सब्जियाँ, तो इसको भी आप खरीद सकते हैं, और यदि नहीं आप खरीद पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से भी खरीद के आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं।
आइए अब तीसरी पुस्तक मैं दिखाता हूँ, घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे। तो घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे जो की पुस्तक है डॉक्टर सुरेश पोखरवाल जी की लिखी हुई यह पुस्तक है, इसको आप देख लीजिए। पीछे से भी मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह की पुस्तक है और इसमें जो है आपको सारी चीज़ें जो घरेलू चिकित्सा के बारे में और कैसे आप, ज्ञान गंगा प्रकाशन द्वारा ये जो है प्रकाशित होती है और पाचक संस्थान के रोग जिसमें दिया गया है, जैसे आरोचक जिसे अग्निमांद, अम्लपित्त, संग्राणी, अपच, पेट फूलना, दस्त लगना, मलावरोध, पेट दर्द, उल्टी, पत्वाशय, सिर दर्द, खांसी, मलेरिया, ज्वार और बुखार के बारे में, साठिका, खुजली, दाद, खाज, खुजली के बारे में, इसमें पित्ती रोग, पेशाब में जलन होना, बवासीर, सूल दर्द, मल रोध, पीलिया, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें निकल के आई हैं। जैसे पथरी के बारे में दिया गया, पथरी में आप कौन कौन सा इलाज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखिए। अब अम्लपित्त के बारे में इसमें देखिए आ गया है, अम्लपित्त में कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, अम्लपित्त की पहचान कैसे करेंगे, तो अम्लपित्त के से आशय है आहार नली ओम आहस आमाशय में तीव्र जलन होना, इसमें लिखा गया है कि अम्लपित्त का आशय है आहार नली ओम आमाशय में तीव्र जलन होना, बहुत तेज़ी से जलन होगा, यह जलन खाना पचने के बाद महसूस होता है। अम्लपित्त का सीधा सा अर्थ है हृदय प्रदेश में जलन, हृदय के प्रदेश में जहाँ हृदय आपका है वहाँ जलन होगा। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे पेट की जलन या गले की जलन भी कहते हैं, इसे एसिडिटी भी कहा जाता है। अब कारण क्या है, अधिक मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाना, छोले चावल भटूरे खाना और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करना, लक्षण क्या है इसमें होगा, छाती में जलन होगी, महसूस होता है, कर दर्द होगा, जी में चलना, पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस होना। अब इसके बाद में इसमें जो है दिया गया है घरेलू प्रयोग, तो काम की चीज़ें ये है कि कैसे पहचान करेंगे कि हमको क्या समस्या है, उसके बाद में घरेलू क्या जो है आप अपने घर पे ही कैसे इलाज करेंगे। मान लीजिए किसी को समस्या हो गई रात के समय, आप डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं जा सकते हैं, अगर आपके पास ये पुस्तकें होंगी आप उनको पढ़ के तुरंत घर पे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाता है। यदि आपके यहाँ से डॉक्टर की जहाँ है उसकी क्लिनिक है वो बहुत दूर है तो आप क्या करेंगे, रात के समय बहुत समस्याएं हो जाती हैं, तो यदि ये पुस्तकें हैं, आपको नॉलेज है, पुस्तकें आपने पढ़ी हैं, कभी भी उठा के आप इन बीमारियों को विषय सूची में देख के, ढूंढ के, पढ़ के आप अपना ट्रीटमेंट घर पे ही अपने परिवार का, रिश्तेदार का, भाई बंधु पड़ोसियों का भी कर सकते हैं और उनको जो है बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। तो इसमें देख लीजिए ये है, अब इसमें दिया गया है कि भोजन के पश्चात आंवले का रस पीने से अम्लपित्त शांत होता है। जैसे भोजन करने के बाद आप अगर आंवले का रस पी लेंगे तो आपका जो है अम्लपित्त शांत हो जाएगा। उसके बाद में दिया गया है सूत शेखर रस आम दोसांतक कैप्सूल की दो दो बूंद की मात्रा में सुबह शाम, जो है दो दो कैप्सूल की मात्रा में सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेने से अम्लपित्त नष्ट होता है। काम सुधा रस की दो दो गोली नित्य लेने से अम्लपित्त दूर होता है। अब इसमें जो है सारी चीज़ें से दिया गया, अड़ूसा, गुर्च, पित्त पापड़ा, चिरायता, नीम की छाल, जल भांगरा, त्रिफला, कुल्थी के काढ़े में शहद मिलाकर पिए अम्लपित्त दूर होगा, और दक्ष गुटिका कि एक गोली नित्य खाने से अम्लपित्त रोग शांत होता है। तो ये था, विरेचन देने से भी अम्लपित्त दब जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है आप अपने घर पे कर सकते हैं या आसानी से उपलब्ध हो जाने। अब संग्राहणी के बारे में दिया गया है, तो ऐसे सारी बीमारियों के बारे में आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ें, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत बढ़िया काम आपको करेगी। घरेलू आयुर्वेदिक चिकित्सा डॉक्टर सुरेश पोखरवाल द्वारा रचित ये पुस्तक है, लिखित है, और इसकी MRP भी 250 रुपये है। और इनकी तमाम पुस्तकें हैं इससे इस प्रकाशन का, घर का वैद्य, घरेलू इलाज, गुप्त रोग, फलों द्वारा चिकित्सा, स्वस्थ रहने के 101 नुस्खे भी डॉक्टर साहब के द्वारा लिखित पुस्तकों में आपको आसानी से मिलती हैं, तो ये पुस्तकें भी आप खरीद के पढ़ सकते हैं। तो सबसे आखिरी में जो मैं आज आपको पुस्तक बता रहा हूँ, ये बहुत ही काम की पुस्तक है, बहुत प्राचीन पुस्तक है और इसको मैं बहुत बार अपने यहाँ पढ़ के और लोगों को इस पुस्तक को रिकमेंड करता हूँ कि हर व्यक्ति को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो अब देर ना करते हुए इस पुस्तक के बारे में बताते हैं, ये है आरोग्य प्रकाश, आयुर्वेद का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। इसमें लिखा है हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मराठी व अंग्रेजी में 3 लाख प्रतियों से अधिक बिकने वाला ये ग्रंथ है।
बहुत प्राचीन पर। और इसके जो लेखक हैं वैद्यराज पंडित राम नारायण शर्मा जी, ये देख लीजिए, और इनका ये पीछे जो है ये चित्र भी दिया गया है, और श्री बैद्यनाथ आयुर्वेदिक भवन नागपुर के द्वारा ये जो है प्रकाशित पुस्तक है, और ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। इसमें जो है बहुत प्राचीन पुस्तक हमारे पास है, और मैं इसका जो मैंने जब परचेज किया था, हमारे पिताजी भी इस पुस्तक को पढ़ते थे, तो ये देख लीजिए ये 50 रुपया लिखा है, 50 रुपये की इतनी मोटी पुस्तक जो है आपको इसमें जो है 554 पेज, 554 पेज इस पुस्तक में है, और मात्र 50 रुपये की ये पुस्तक हमको मिली थी। बहुत प्राचीन पुस्तक है, लगातार मैं कब लगभग 10 बार इस पुस्तक को पढ़ा हूँ। और इस पुस्तक की ये खासियत है कि इसमें आपको रोग की पहचान, रोगों के आहार विहार, रोगों का इलाज और कैसे आप घर पे ठीक करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिया गया है। और जल से चिकित्सा, वायु द्वारा चिकित्सा, और दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, तमाम ज्वर बुखार में आप क्या करेंगे, और हिचकी, तमाम बवासीर, अजीर्ण, कालरा, कमला रोग, पीलिया, खांसी, श्वास, सर्दी, जुखाम, बुखार, तो ये सारी चीज़ें, पक्षाघात, लकवा में कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, आमवात गठिया में कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, और कैसे आप स्वस्थ रहेंगे, और घर पे ही आप कैसे दवाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें, जैसे मन दुग्धवटी के बारे में दिया गया है, सूजन से संबंधित समस्याएं होती हैं, और पेशाब में जलन के बारे में जैसे है, आपको हेमनाथ रस के बारे में दिया गया है, तो समस्त प्रकार की समस्याओं को, जैसे वायु लोगों के बारे में, आपके शरीर में कैसे बढ़ गई है, उनके कैसे आप शुद्ध करेंगे, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, नींद कैसे नहीं आ, नींद ना आने की समस्या को कैसे आप निदान करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको मिलेंगी। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। अर्थ बवासीर के बारे में इसमें दिया गया है, जैसे बवासीर के बारे में आप देख लीजिए, गुदा द्वारा कि नसों में फूलती हुई और बड़ी हो जाती हैं, मटर के मुनक्के या उससे भी बड़े आकार की होने को देखने में होती हैं, इसे अर्थ या बवासीर कहते हैं, या कई बार बवासीर के मद से एक बार में हो जाते हैं, गुदा के द्वारा बाहर होने से और गुदा द्वारा भीतर होने से अंत्रावेलिए बवासीर होती है। इसमें जो है कूनी और वादी होती है, समय समय से इसमें से जो है खून गिरता रहता है। कूनी बवासीर प्रायः जो है खट्टी मीठी चीज़ें और कब्ज वाली चीज़ें जो है, जैसे गरिष्ठ भोजन करने से आपको हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें इसमें दिया गया। चिकित्सा के बारे में दिया गया है कि बवासीर की सर्वोत्तम चिकित्सा यही है कि योग चिकित्सक या शास्त्र द्वारा सूर छाछ चिकित्सा से कटवा कर या मस से निकलवा दिया जाए, या जोक लगाकर समन कर दिया जाए, बवासीर में वायु की गति प्रतिलोमन हो जाती है, जिससे वायु की गति अनुलोम हो जाए, या चिकित्सा विधेय है, बवासीर के रोगी को प्रायः कब्जियत रहती है, ये दिया गया। अब इसमें नीम की निबोली, रसोत, खून खराबा, शुद्ध गुगुल, बड़ी हरड़, छिलका मुनक्का, प्रत्येक दो दो तोला, गुलाब के फूल और सनाय 12 ग्राम की मात्रा में, तथा पीपल 18 ग्राम, इन सब दवाओं को चूर्ण करके शेष में गुगुल मिलाकर त्रिफला के काढ़े से बेर के बराबर गोलियां बना ले, सुबह शाम जल के साथ दो दो बार चार चार गोलियां खाएं, अगर ज़्यादा कब्जियत रहती हो तो गर्म पानी के साथ खाएं, इससे दोनों तरह के बवासीर में अच्छा फायदा होता है, बहुत बार ही परिचित दवा है, ये दिया गया है, तो इसको आप घर पे बना सकते हैं। अरसो धनी वटी के बारे में बताया गया है, आप इसे भी प्रयोग कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए बेहतरीन है। इसको कैसे पढ़ के आप अपने आप को जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त कर सकते हैं। मधुमेह के बारे में, जैसे शुगर में आप कौन कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये था जो है 5 पुस्तकों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और ये सारी पुस्तकें जो है हिंदी भाषा में लिखित हैं, कोई भी व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे आसानी से पढ़ सकता है, इसके गुणों को जान सकता है, अपने घर पे ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ये था जो है 5 पुस्तकों की रिव्यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।